पर्सनली मैं जानना चाहूँगा कि हाउ थिंग्स हैव चेंज आफ्टर द बिग बॉस हाउस एंड पीपल आर वेरी मिसिंग यू इन दैट हाउस फैंस आर मिसिंग यू व्हाट डू यू वांट टू से यार आई जस्ट वांट टू से थिंग्स आर गेटिंग बेटर और अभी आई एम गेटिंग आउट ऑफ दैट द माइंड सेट ऑफ बिग बॉस अभी बिग बॉस ही चल रहा है हर जगह पे इंटरव्यूज एंड डिस्कशंस एंड मीटिंग्स सब वही चल रहा है तो अभी हम फोकसिंग मोर ऑन वर्क आई नो आई एम मिसिंग द हाउस टू लेट्स सी वाइल्ड कार्ड का क्या होता है बट थिंग्स आर गोइंग ऑन देखते हैं कुछ तो धमाका करेंगे थोड़े दिन में काफ़ी चर्चा हो रही थी वाइल्ड कार्ड की आपका भी नाम फिर से आ रहा है वाइल्ड कार्ड में और ट्विटर पे सबसे ज़्यादा ब्रिंग बैक गौतम की हैशटैग्स आ रहे हैं उसको लेके कितनी एक्साइटमेंट हो जाती है यार आई नो पीपल लव मी दे वॉन्ट मी टू गो बैक इन द हाउस दे वॉन्ट सी मी तो मैं बहुत खुश हूँ कि पीपल वॉन्ट्स टू सी मी बैक इन द हाउस और मैंने देखा कुछ एपिसोड्स थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे चल रहा है एपिसोड्स में बट वेट है घायल चेहरे जाएंगे अंदर तो धमाल तो होगा ही ऑफकोर्स लेट्स सी कब होता है कैसा होता है एक और बात कर्ली बालों की सूची में आपका भी नाम है और उस नाम में सिद्धार्थ आपने शेयर किया था अभी हाल ही में वो पोस्ट हाँ क्या है कुछ आप बताना चाहोगे अगर दर्शकों को एक्चुअली 5 बॉलीवुड एक्टर्स निकले थे जिनके कर्ली बाल हैं जो अच्छे से उसे परसीव कर पा रहे हैं जिसमें से ऋतिक रोशन हैं सिद्धांत चतुर्वेदी हैं मैं हूँ और जिम सरब हैं और ईशान खट्टर तो हम 5 लोगों का नाम था तो जिसमें से आई वॉज वन ऑफ देम सो आई एम वेरी ऑब्लाइज आई एम वेरी थैंकफुल कि वो आर्टिकल मैंने देखा मुझे बहुत अच्छा लगा और ठीक है कर्ली वाले हैं कुछ तो काम हो रहा है और इसके अलावा जो हाल ही में निमृत के जो डिप्रेशन को लेके शालिन ने काफ़ी कुछ कहा आपको कितना अनफेयर लगा वो कमेंट करना एंड उस पर काफ़ी चर्चा इस बार वीकेंड के बारे में भी काफ़ी चर्चा होने वाली है आप कुछ बताना चाहोगे उसमें यही है कि आई थिंक शाली ने बोला कुछ तो आई थिंक वो सबको पता ही है कि वो सिर्फ बोलते हैं और नहीं बोलना चाहिए किसी के डिप्रेशन पे हेल्थ पे नहीं बोलना चाहिए ऑफकोर्स वो किसी चीज़ से शी इज़ गोइंग थ्रू वो टॉपिक नहीं छेड़ना चाहिए बहुत सेंसिटिव चीज़ होती है और किसी की मेडिकल इशू में इस निमृत हो या किसी की भी हो साजिद खान की भी हो किसी की भी हो नहीं बोलना चाहिए और ये आई थिंक शालिन भनोट को नहीं समझ आ रही बट उनको ऐसा लगता है कि उन्हीं के वो मेंटल प्रॉब्लम है बाकी किसी को नहीं है तो आई थिंक ये चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल में रखेंगे तो आई थिंक गेम विल बी मोर बेटर गौतम और सौंदर्य की वो जोड़ी थी काफ़ी मिस कर रहे हैं आप कितना मिस कर पा रहे हो उस मोमेंट को जितने भी आपने मोमेंट स्माइलिंग मोमेंट हैप्पी मोमेंट चेरिश मोमेंट जो आपने शेयर किए यार 50 दिन थे साथ में अच्छे मोमेंट्स थे लड़ाई भी हुई झगड़े भी हुए कंसोलेशन भी हुआ पैसिफाई भी हुआ बहुत कुछ हुआ बट ऑफकोर्स हाँ मोमेंट मिस होती हैं आई थिंक फैंस भी यही वेट कर रहे हैं कि हम साथ होंगे दोबारा एंड विल रॉक इट टुगेदर लेट्स सी हाउ थिंग्स विल गो एंड शी इज़ प्लेइंग गुड मैंने जितना भी देखा शी इज़ प्लेइंग गुड मुझे भी याद करती रहती हैं वो बीच में कई कई बार घर वाले भी याद करते हैं तो या हम टॉप 3 में आपके हिसाब से आई नो इट्स वेरी अर्ली टू कॉल अप बट व्हाट डू वांट टू से अबाउट द टॉप 3 एंड द विनर क्वालिटी बॉय आई थिंक शिव स्ट्रॉन्ग प्लेयर है प्रियंका और साजिद थैंक यू अपकमिंग प्रोजेक्ट फ्रॉम योर साइड I don't wanna disclose right now, but थोड़े दिन में मिलेगा कुछ धमाका बड़ा और उसके बाद मिलेंगे वापस और फिर बात करेंगे वाइल्ड कार्ड एंट्री आपकी होगी नहीं होगी कि उसके लिए थोड़ा कुछ नहीं बता सकते कुछ नहीं वाइल्ड कार्ड एंट्री गोल्ड मैन आए उसके हाँ उन्होंने भी बोला कि चीज़ें अच्छी दिख रही हैं बाहर रियल दिख रही थी तो थोड़ा सा अच्छा लगा सौंदर्य को भी आई थिंक और ठीक है बाकी देखते हैं वाइल्ड कार्ड में क्या होता है जाएंगे तो जरूर धमाका होगा तो यार लेट्स सी लेट्स वेट फॉर इट थैंक यू गाइस Take care. Yeah, brother.